मध्य प्रदेश के धार जिले में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब बदमाश संयुक्त कलेक्टर तक को नहीं छोड़ रहे हैं। उनके वाहन में तोड़फोड़ की गई और उनके सहयोगियों के साथ मारपीट भी की गई। जानकारी के अनुसार धार के संयुक्त कलेक्टर प्रताप सिंह चौहान अन्य लोगों के साथ पंचायत निर्वाचन से संबंधित प्रशिक्षण लेकर भोपाल से धार आ रहे थे, तभी सादलपुर थाना अंतर्गत इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुणावत के समीप नंदन ढाबे के पास एक वाहन ने उनकी शासकीय गाड़ी को रोककर उसमें तोड़फोड़ की और वाहन चालक और ऑपरेटर के साथ मारपीट भी की। वाहन में संयुक्त कलेक्टर प्रताप सिंह चौहान भी मौजूद थे। मारपीट करने वाले 5 लोग बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर मारपीट क्यों की गई। अगर बदमाश लूट के इरादे से आते और वाहन को रोका तो फिर कुछ लूट कर क्यों नहीं ले गए, क्योंकि रिपोर्ट में केवल मारपीट का ही जिक्र है। सादलपुर पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए रात को ही संयुक्त कलेक्ट्रेट के द्वारा बताए गए वाहन नंबर के आधार पर 5 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है और वाहन नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर धार SP आदित्य प्रताप सिंह का कहना है कि मामला वाहन ओवरटेकिंग और कटबाजी का लग रहा है, क्योंकि लूट के इरादे वाली घटना नहीं लग रही। आरोपियों के मुंह भी बंधे हुए नहीं थे। संयुक्त कलेक्ट्रेट के वाहन चालक का कहना है कि टोल नाके से कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे थे, तभी अचानक एक गाड़ी ने ओवरटेक किया और आगे 2 गाड़ियां लगा दी। जब इसका विरोध किया तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। वहीं SP का कहना है कि आरोपी ने गुनाह तो किया है, उनकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। धार से संवाददाता जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। इधर 2 बंदे थे, तो कुल 2 गाड़ी से अलग अलग लोग आए थे। वो अलग अलग से 2 गाड़ियां थी, हम एक ही गाड़ी पे थे। जैसे उन्होंने पीछे से ओवरटेक करा हमको टोल के बाद से ओवरटेक करा, तो मैंने थोड़ी स्पीड स्लो कर ली कि कौन है शराब पी हुए होंगे करके। तो सर ने बता दिया कि नॉर्मली ले लें। किसी तरह की कोई पहचान उनकी ऐसी लगी कुछ? हाँ, वो उसमें से जो एक आदमी था जिसको मैंने बोला था कि जो ये डिप्टी कलेक्टर साहब है, तो उन्होंने मारना कूटना बंद करवा दिया। तो उसमें से जो जिस बंदे को मैंने बोला था उसकी एज कम से कम 35 से 40 के आसपास थी, उसको मैंने धार के आसपास के इसे वाइन शॉप पे बैठा हुआ देखा था एक बार पहले। आपका नाम? मेरा नाम राजा पिता दीपक। कल हम भोपाल राज्य निर्वाचन आयोग में पंचायत निर्वाचन से संबंधित प्रशिक्षण था, उसमें गए थे और प्रशिक्षण लेके वापस रात में आ रहे थे। उसी दौरान कुछ असामाजिक तत्व मिले, करीबन 4-5 लोग थे, और नंदन ढाबा गुणावत के पास में हमारी गाड़ी रोकी और पता नहीं क्या शंका और वो आते के साथ मारने लगे। और फिर हमने जब बोला कि यार हम तो कलेक्टर कार्यालय के लोग हैं, तो फिर थोड़ा सा वो रुके और जैसे हमने गाड़ी वाड़ी का देखा जिस गाड़ी में बैठ के आए थे उस गाड़ी का नंबर वंबर नोट करने लगे, तो वो बैठ के भाग गए थे। मारपीट हमारे ऑपरेटर के साथ में हुई है, साइड में बैठा था, कान जहाँ फूटा है तो श्री राम करके था उनको, और ड्राइवर के सामने मारने लगे। फिर हमने बोला कि यार अब हम तो कलेक्टर कार्यालय के आदमी, तो वो उम्र क्या ये 25 से लगा के 30-35 साल तक के थे। कितने बदमाश होना? देखिए अभी रात को एक FIR पंजीबद्ध कराई गई जिसमें ये डिप्टी कलेक्टर और उनका स्टाफ भोपाल से लौट रहा था और गुणावत के पास एक गाड़ी ने इनको कट मार के रोका और उसके बाद उन्होंने गाड़ी का एक कांच फोड़ दिया और इनके ड्राइवर के साथ मारपीट की। उसमें मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और जो दूसरी बुलेरो थी जिसने कट मारा उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और इसमें जल्दी गिरफ्तारी करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए इसमें ऐसा लग रहा है कि अभी क्योंकि आरोपी को जल्दी अरेस्ट किया जाएगा, तो ऐसा संभव है कि कट मारने की बात को लेके या इस तरह के, अब इसमें कोई लूट या इस प्रकार की कोई घटना प्रथम दृष्टया इसमें नहीं दिख रही है। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन।
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।